स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अरबपति जॉर्ज सोरोस पर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गई हैं। जॉर्ज सोरोस मानवता से नफरत करता है, ये ट्वीट एलन मस्क की ओर से किया गया है और जाहिर तौर पर इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर अब खूब सुर्खियां एलन मस्क बटोर रहे हैं। अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा टेस्ला में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के बाद एलन मस्क ने निवेशक को ये कहते हुए फटकार लगाई है कि वो सभ्यता के ताने बाने को खत्म करना चाहते हैं और मानवता से नफरत करता है। इनसाइडर के मुताबिक सोरोस के पारिवारिक कार्यालय सोरोस मैनेजमेंट के पास कुल 1,32,000 शेयर थे जो इस साल मूल्य में टेस्ला के प्रभावशाली 68% उछाल पर पूंजीकृत थे और पारिवारिक कार्यालय ने 2023 की पहली तिमाही में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी थी, जिसके बाद अब ट्विटर के भी सीईओ हैं एलन मस्क और लगातार अपने ट्वीट के जरिए वो कुछ इस तरह ही सुर्खियां बटोरते हैं और अब जॉर्ज सोरोस को लेकर उनका ये ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पर और खासतौर पर ट्विटर पर सुर्खियां बटोर रहा है। सोरोस फंड मैनेजमेंट ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन के लिए प्रमुख संपत्ति प्रबंधक हैं, जिसकी स्थापना जॉर्ज सोरोस ने ही की थी। उन्होंने अपने हेज फंड से ज्यादातर पैसा अपने ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन को दान कर दिया है। इस बीच 2022 में लगभग 65% की गिरावट के साथ इस साल अब तक टेस्ला स्टॉक लगभग 35% ऊपर है। एलन मस्क ने जॉर्ज सोरोस की टेस्ला में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की खबरों का जवाब देते हुए कहा कि वो सभ्यता के ताने बाने को मिटाना चाहते हैं। सोरोस जो है वो मानवता से नफरत करता है, ये ट्वीट एलन मस्क की ओर से किया गया है। सोरोस फंड मैनेजमेंट अरबपति जॉर्ज सोरोस के पारिवारिक कार्यालय ने 2022 में टेस्ला के 42,000 शेयर खरीदे और बाद में होल्डिंग को बढ़ाकर 1,32,000 शेयर कर दिया। पहली तिमाही में टेस्ला के शेयरों में 68% की वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक व्यापक रैली के लिए धन्यवाद मुद्रा स्थिति को ठंडा करने की उम्मीद के कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई। जनवरी तिमाही में उस स्थिति को ऑफलोड करके इस वर्ष ईवी निर्माता के शेयर की कीमत में उछाल से फंड को महत्वपूर्ण लाभ हुआ, जिसके चलते ये तमाम जो स्थिति है ये पैदा हुई। तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला है जिसके चलते ट्विटर के सीईओ और साथ ही साथ टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की ओर से जॉर्ज सोरोस पर ये ट्वीट के जरिए बड़ा हमला बोला गया है। और ये खबर इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जॉर्ज सोरोस लगातार भारत में सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि भारत को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जॉर्ज सोरोस का बयान रहा है और जॉर्ज सोरोस ने जिस तरीके से भारतीय जो राजनीतिक मुद्दे रहे हैं उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है, उसको लेकर भी उन्होंने खूब सुर्खियां जो हैं वो भारत में बटोरी हैं। आपको ये बता दें कि जॉर्ज सोरोस ने ही ये कहा था कि भारत में दरअसल एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। अडानी के मुद्दे पर उनकी बयानबाजी कोई नहीं भूला है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि जॉर्ज सोरोस ने अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था और दावा ये किया था कि अडानी के मुद्दे पर भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। और ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले 2020 में भी जॉर्ज सोरोस ने ये कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यानी ये आरोप भी लगते रहे हैं कि विपक्ष में खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी है वो दरअसल जॉर्ज सोरोस का साथ पाकर कहीं ना कहीं इस तरीके का षड्यंत्र जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ रचती है, इस तरीके की बयानबाजी जो है वो दरअसल हो रही है। ये तमाम चीज़ें सामने आई जिसके चलते कांग्रेस पार्टी भी सवालों के घेरे में आई और साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस पर भी बीजेपी के तमाम नेता काफ़ी हमलावर नजर आए और बीजेपी ने ये आरोप भी लगाया कि पीएम मोदी जॉर्ज सोरोस के निशाने पर हैं। ये भी दरअसल निंदा बीजेपी की ओर से की गई कि ये जो बयान है ये राजनीति से प्रेरित हैं,
कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ऐसा हो और तब जाकर ये बयानबाजी हो रही है। तमाम तरीके के बयान सामने आए, लेकिन कुल मिलाकर अब जो है ट्विटर पर जो काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, ट्विटर के सीईओ हैं एलन मस्क, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। आपको ये बता दें कि टेस्ला को लेकर जो सोहस ने अपनी हिस्सेदारी बेची है उसको लेकर एलन मस्क ने ट्वीट किया और ट्वीट में मस्क ने एक्स मैन में कॉमिक बुक चरित्र सोहरेस और मैग्नेटो के बीच जो है वो कंपेयर के साथ ये ट्वीट किया, जो कि जाहिर तौर पर एक हमला जॉर्ज सोहरेस पर बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि सोहरेस मुझे मैग्नेटो की याद दिलाता है। तो ये ट्वीट है एलन मस्क का जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही एलन मस्क ने आगे ये भी पोस्ट किया है कि सोहरेस ने मुझे मैग्नेटो की याद दिलाई, एक्स मैंस यहूदी पर्यवेक्षक का जिक्र करते हुए टेस्ला और ओपन सोसाइटीज ने तुरंत ट्वीट पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की है। लेकिन एक बड़ा हमला जो है वो एलन मस्क की ओर से जॉर्ज सोहरेस पर बोला गया है और ये उनका कोई पहला ऐसा ट्वीट नहीं है। लगातार एलन मस्क जब से उन्होंने ट्विटर की कमान संभाली है तब से लगातार वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। बड़े अटपटे ट्वीट जो हैं उनकी तरफ से देखने को मिले हैं। कई बड़े बदलाव ट्विटर में भी उनकी तरफ से किए गए हैं, चाहे फिर वो ट्विटर के ऑफिशियल जो ब्लूटिक को लेकर हो या फिर किसी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की बात हो। तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव जो है ट्विटर में देखने को मिले हैं। लेकिन अब उसी ट्विटर प्लेटफॉर्म के जरिए एलन मस्क ने ये जॉर्ज सोहरेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि जॉर्ज सोहरेस जो है मानवता से नफरत करता है। ये दरअसल उन्होंने जॉर्ज सोहरेस की खिंचाई एक तरीके से की है। अरबपति निवेशक हैं जॉर्ज सोहरेस, तमाम अपने बयानों को लेकर जैसा कि मैंने बताया कि सुर्खियों में रहे हैं और खासतौर पर भारत में अगर बात की जाए तो लगातार उनकी चर्चा होती रही है। हाल ही में कई तरह की अफवाह भी उनको लेकर सामने आई कि जॉर्ज सोहरेस की मौत हो गई है, लेकिन वो अफवाहें महज अफवाहें ही साबित हुई क्योंकि इस तरीके की जो जानकारी है वो सोशल मीडिया पर ही फैली थी। लेकिन एक बार फिर जॉर्ज सोहरेस सुर्खियों में हैं, चूंकि एलन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं साथ ही ट्विटर के सीईओ हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है उनको लेकर, चूंकि ये पूरा मामला जो है वो जो एक टेस्ला एक कंपनी जो है उसके सीईओ हैं एलन मस्क और उसमें हिस्सेदारी जॉर्ज सोहरेस की थी जो उन्होंने बेच दी है, जिसके बाद ये बड़ा हमला ट्विटर के सीईओ की ओर से जॉर्ज सोहरेस पर बोला गया है और इस तरीके से ये ट्वीट उनका काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। तो कुल मिलाकर अब एलन मस्क और साथ ही जॉर्ज सोहरेस पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर जॉर्ज सोहरेस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन फिलहाल भारत में भी ये ट्वीट जो है काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि जॉर्ज सोहरेस अगर कहें तो जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था, जिस तरीके से उन्होंने भारत के मामले में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी और ये कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है लेकिन मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने के पीछे अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है, ये भी सोहरेस की ओर से कहा गया था। सोहरेस ने कहा कि भारत क्वाड का मेंबर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी उसके साथ हैं, लेकिन भारत इसके बावजूद रूस से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है और मुनाफा कमा रहा है। ये तमाम चीजें जॉर्ज सोहरेस की ओर से कही गई थी भारत को लेकर, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। कांग्रेस पार्टी निशाने पर थी बीजेपी के और कुल मिलाकर सवाल ये भी उठे थे कि एक विदेश में बैठा अमेरिकी जो निवेशक है वो आखिर हिंदुस्तान को लेकर या भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, आखिर वो भारत की सत्ता से प्रधानमंत्री को क्यों हटाना चाहता है। ये तमाम सवाल उस वक्त उठे थे, लेकिन कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला जो है वो टेस्ला कंपनी में जॉर्ज सोहरेस की हिस्सेदारी जो उन्होंने अपनी बेच दी है उसको लेकर यह पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद टेस्ला कंपनी के सीईओ जो कि ट्विटर के भी सीईओ हैं एलन मस्क, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और ये बड़ा हमला बोला गया है कि जो जॉर्ज सोहरेस हैं वो मानवता से नफरत करता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।